आज यह जुलूस में हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की सुनाई दिया भजन। मुस्लिम गायक ने गाई राम कथा। जी हाँ, देश में जहाँ नफरतों का दौर हावी है, तो दूसरी ओर कहीं कहीं से कुछ ऐसी भी खबरें सामने आती हैं कि दिल को सुकून भी मिलता है और देश में अमन का पैगाम भी देती है। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आई, जहाँ मुस्लिम समाज के जुलूस में राम धुन की गूंज सुनाई दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जुलूस के दौरान हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की कथा रूपी भजन सुनने को मिला। यह भजन और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम गायक ने ही गाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल शिवपुरी जिले के कोलारस में चेल्लम के ताजिया जुलूस में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। यहां ताजिया जुलूस में कई हिंदू भी शामिल हुए। जुलूस के दौरान हिंदुओं ने भगवान के भजन सुनने की फरमाइश की। इसके बाद जुलूस में गाना गा रहे मुस्लिम गायक ने हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की भजन गाया। बैंड पर रामधुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राम भजन गाने वाले मोहम्मद रिजवान अख्तर हुसैन ने बताया कि हमारे पूर्वज भी गाना गाते थे। उन्होंने आगे बताया कि बीती रात जुलूस में हिंदू भाइयों ने भगवान के भजन गाने की फरमाइश की, तो मैंने कमेटी से परमिशन लिए फिर भजन गाया। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ हर बार हिंदू मुस्लिम का प्यार ही दिखता है। बता दें कि गायक मोहम्मद रिजवान अख्तर हुसैन मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। वह फिलहाल झांसी के न्यू मास्टर बैंड के लिए गाना गाते हैं। सीआईडी न्यूज नेटवर्क शिवपुरी। Thank you.